मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर हम इसके नाम को देखें तो क्या पता चलता है? प्रिंसिपल मींस व्हाट इट इज बेटा? लॉज और रूल। रूल है। कौन से रूल की बात करने वाले हैं हम लोग? मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन की, मैथमेटिकल मींस मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हम कुछ रूल्स की बात करेंगे जो मैथमेटिकल फील्ड में से है। और हम कौन से रूल की बात करने वाले हैं? इंडक्शन की। इंडक्शन वर्ड सुना है आप लोगों ने पहले कहीं? कैसी? वेरी गुड। आपने इलेक्ट्रिकल इंडक्शन सुना होगा। क्या होता है इंडक्शन का मतलब? ओके ओके। देखो इंडक्शन होता है मेनली आप विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, जब आप एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं। अब आपने इंडक्शन चूल्हे देखे होंगे ना, वो आप हाथ पे कोई आग नहीं जल रही है, बट फिर भी आपका जो मटेरियल होता है कंटेनर के अंदर वो गर्म हो जाता है। मीन्स विदाउट विदाउट गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस, वहां पे वो अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है ना। ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होने वाला है बच्चों। इस अप्रोच में हम क्या करेंगे, वी विल नॉट गो टू एवरी नंबर, बट वी विल प्रूव अ रिजल्ट फॉर एवरी नंबर। ये अप्रोच है इसकी। क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। आप सभी ने ये पढ़ा कि 1 + 2 + 3 अप टू एन, आप कोई भी एन नेचुरल नंबर ले उनका सम क्या हो जाएगा बेटा? प्रेशर। अब कोई भी एन नेचुरल नंबर ले उनका सम क्या हो जाएगा बेटा? प्रियाशी, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। वैसे तो ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों ने एपी से ड्राइव किया है ना, बिकॉज इट इज एन एपी। अब इसी फॉर्मूले को ट्रू, ये ट्रू रिजल्ट देता है हमें। ऐसा प्रूव करने का हमारे पास एक तरीका है, और वो है मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं सपोज मैं इफ आई टेक थ्री नंबर्स, मैंने थ्री नंबर लिए, एक बार देख लेते हैं रिजल्ट सही भी है या नहीं है। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है? ये फॉर्मूला कह रहा है कि सम ऑफ थ्री नंबर्स विल बी 3 × 3 + 1 / 2, इट मींस 3 × 4 / 2, 2 × 2 = 6। और आप देखिए आपको 6 मिला। ये फॉर्मूला ये कहता है कि यू टेक एनी नेचुरल नंबर, इफ यू यू टेक एनी कॉन्टिन्यूस नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 onward, ठीक है, बीच में से गैप नहीं करना है, 1 से लेकर के कहीं तक भी लेना चाहते हो, यू टेक इट टिल 100, यू टेक इट टिल 1000, यू टेक इट टिल लैक, आप उनके सम को कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले से। यू जस्ट नीड टू पुट 100 इन इट, अगर आप 100 नेचुरल नंबर का सम चाहते हो, है ना। तो ये कहना चाहता है। अब ये वाकई में जो बात कह रहा है वो सही भी है या नहीं है, इसका प्रूफ करने की बात की गई है पीएमआई में। पीएमआई हमें एक ऐसा मेथड देगा जिससे हम ऐसे बहुत सारे रिजल्ट जो हमें ट्रू रिजल्ट देते हैं, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले जो हमें ट्रू रिजल्ट देते हैं, हम उनको प्रूव कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। और क्या है ये पीएमआई की अप्रोच? पीएमआई ने कहा अगर कोई भी फॉर्मूला मेरे इन तीन स्टेप्स को फॉलो करेगा तो वो फॉर्मूला हर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आप पीएमआई से करेंगे, आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि क्या ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तीन स्टेप्स को फॉलो करता है। अगर वो फॉलो करेगा तो आप बोलोगे यस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो देखिए एक बार वो तीन स्टेप, चलो देखना बेटा हिमांशु, तीन स्टेप देखना। वो पीएमआई ने कहा कि स्टेप फर्स्ट है, चेक इट फॉर
एन इक्वल टू वन। हमेशा पहला स्टेप होगा कि जो भी आपको फॉर्मूला दिया गया है बच्चों, उसको आप वन के लिए चेक करना कि वो वन के लिए ट्रू है या नहीं है। मतलब कि क्या अगर मैं फर्स्ट नेचुरल नंबर लूं तो क्या वो मुझे इस फॉर्मूले से मिलेगा। अब अगर भी हम बात करें सम ऑफ वन नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर खुद ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आई विल गेट वन, राइट हैंड साइड में नेचुरल नंबर के लिए ही क्यों यूज में होता है। बेटा चलो आई विल हैव टू गिव अ थॉट टू इट कि नेचुरल नंबर के लिए क्यों हम इसको बोल रहे बताऊंगा। आगे देखिए, वन इंटू टू डिवाइड बाय टू, टू से टू कैंसिल कर दिया। तो देखना बच्चों लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि द गिवन फॉर्मूला गिव मी अ ट्रू रिजल्ट फॉर एन इक्वल टू वन। स्टेप टू बोलता है यू एज्यूम, आप मान लो कि जो आपका फॉर्मूला है ना वो के नंबर के लिए ट्रू है, किसी के लिए ट्रू है। वी डोंट नो व्हिच के इज दैट, इट इज ट्रू फॉर के। और ये मानने के बाद, हाँ बेटा नहीं, ये फॉर्मूला तो बेटा माइनस के लिए है ही नहीं ना, क्योंकि ये तो आपने ड्राइव कैसे किया है, आपने फर्स्ट टर्म को वन माना था। पर आप इसी तरह से फॉर्मूला नेगेटिव के लिए भी बना सकते हैं। अब अगर आप माइनस सेवन माइनस सिक्स माइनस फाइव लेंगे, आप ये लीजिए टेन तक या फिर ये लीजिए एन तक, तो एपी से जैसे ये फॉर्मूला ड्राइव किया वैसे वो भी ड्राइव कर सकते माइनस सेवन लेकर के। चलिए देखिए बच्चों एक बार, तो स्टेप टू में हमें क्या करना है, स्टेप टू में कुछ नहीं करना, एज्यूम करना है, ठीक है ना। तो हमने किया लेट अस एज्यूम इट इज टू फॉर एन इक्वल टू के। हमने मान लिया कि ये रिजल्ट जो है ये एन इक्वल टू के लिए सही है। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन अपॉन टू। इसका मतलब है कि अगर मैं के नंबर्स को प्लस कर रहा हूं तो उनका सम मुझे इसके इक्वल मिल रहा है। इसके बाद है बच्चों लास्ट स्टेप। देखो यहां तक कोई शक है तो मुझसे पूछो, लास्ट स्टेप विल बी अ कंक्लूडिंग स्टेप। लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, प्रूव इट फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। हमें यही वाला फॉर्मूला प्रूव करना है। देखो यहां मैंने एज्यूम किया, यहां वन के लिए चेक किया, के लिए एज्यूम किया, के प्लस वन के लिए प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। देखिए जरा, के प्लस वन के लिए प्रूव करने का मतलब क्या है, मुझे ये प्रूव करना है कि वन प्लस टू प्लस अप टू के तक नहीं, के प्लस वन तक अप टू दिस विल बी इक्वल टू। मुझे ये प्रूव करना है कि ये इक्वल हो जाएगा। देखो इस फॉर्मूले में जहां एन है वहां के प्लस वन रखेंगे हम, के प्लस वन प्लस वन अपॉन टू। तो अगर इफ एनी हाउ आई मैनेज टू शो दैट This is equal to this, तो फिर PMI कहता है कि जो फॉर्मूला आपको दिया गया है that is true for all natural number, ये सभी natural number के लिए true हो जाएगा, ये कहता है बच्चों PMI। अगर आपने इसको prove कर दिया कि ये left hand side is right hand side के equal है, अब कैसे करोगे बताता हूं अब बच्चों। इसमें भी अच्छी बात ये है कि हर question में एक ही approach है। क्या अप्रोच है, जो आपने एज्यूम किया है ना इसको यूज करो। देखो कैसे यूज करेंगे,
मुझे ये प्रूफ करना है ये इसके इक्वल है, तो मैं क्या, हाँ बेटा प्रियांशु ये कहां से आया? तो देखो बेटा ये तो हमें इसने कहा था that this is equal to this. If n is k plus 1, इसमें मैंने n को k plus 1 लिख दिया, k plus 1 बस. अभी कुछ शक है तो बच्चों पूछ लो मुझसे, तो अब कैसे प्रूव करूंगा? आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, आई विल सिंप्लीफाई इट और हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगी. हर क्वेश्चन में ऐसे ही होना है. तो देखो हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, वो है 1 plus 2 plus 3 up to k plus 1. अब विद द हेल्प ऑफ माय फर्स्ट इक्वेशन व्हाट आई कैन डू, मुझे पता है कि ये किसके इक्वल है बच्चों, ये इक्वल है के के प्लस वन अपॉन टू प्लस के प्लस वन के इक्वल है. लिख लो यहां तक, यहां तक कोई शक है तो मुझसे पूछो. हमें प्रूव करना है कि ये जो है ना ये इसके इक्वल है. मैंने इसको सिंप्लीफाई किया इसके बेस पे, ये जो अजम्पशन था इसके बेस पे. अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा एंड आई विल ट्राई टू मेक दिस स्ट्रक्चर. अगर ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया तो हम बोलेंगे ये जो गिवन इक्वेशन मुझे दी गई है ना, ये जो फॉर्मूला मुझे दिया गया है, इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आपके दिमाग में आएगा एलसीएम ले लेते हैं. तो बच्चों मैंने ले लिया एलसीएम के के प्लस वन प्लस टू के प्लस वन होल अपॉन टू. अब आपके दिमाग में आएगा के प्लस वन को कॉमन ले लेते हैं, के प्लस वन को लिया कॉमन, यहां बच गया के प्लस टू अपॉन टू. अब देखना जरा ये क्या चीज है, ये यही वाली चीज नहीं है क्या, है ना? देख लो जरा के प्लस वन, के प्लस टू को के प्लस वन लिख सकते हैं ना. बस तो हमने देखा ना कि लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. इट मींस वी प्रूव्ड इट दैट दिस फॉर्मूला इज ट्रू फॉर के प्लस वन. अब पीएमआई बोलता है इट मींस इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर, तो हम लिख देंगे लास्ट में हेंस बाय पीएमआई. We can say PMI का मतलब principle of mathematical induction. By PMI we can say given formula, given result is true for all natural numbers. Given formula is true for all natural numbers. देख लो बच्चों, सो इन एवरी क्वेश्चन यू विल बी गिवन विद अ फॉर्मूला और वो कहेगा प्रूव इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर. आपको ये तीन स्टेप करने हैं, वन के लिए चेक करना है, के लिए मान लेना है और फिर के प्लस वन क्लिक करना है प्रूव उसको. अगर तीनों स्टेप हो जाते हैं तो फिर ये स्टेटमेंट आ जाएगी पीएमआई ने कहा, पीएमआई ने इसको ऑथेंटिकेट कर दिया. ओके ये इन तीन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है, ऑबे कर रहा है, सो इट इज ट्रू फॉर ऑल. देखो बच्चों और कोई शक है तो मुझसे पूछो, फिर मैं आपको लेके चलूंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे.
स्नेहा और हिमांशु, बच्चों कोई भी ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो बेचक पूछना, हेजिटेट नहीं करना है। चलिए अगर आप लोगों को समझ में आया तो मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं बोर्ड पे। दीपांशु तुम्हारे स्कूल में तुम लोगों को रेगुलर मैथ्स दिया ही नहीं गया या फिर ऑप्शनल रखा गया है? कॉमर्स में अप्लाइड मतलब कि दिया ही नहीं गया गवर्नमेंट की तो है। टेस्ट का इंतजार कर रहे थे। अरे वाह तुमको बड़ा ही चलाक निकला यार। बच्चों देखो आपकी बुक का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया था, आज मैं लेके चलता हूँ सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में ये फॉर्मूले की तरह पढ़ा था, 1q + 2q + 3q up to nq, मतलब कि अगर आपको n नेचुरल नंबर के क्यूब्स को प्लस करना हो तो इसका एक शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट है n+1/2 का होल स्क्वायर। चलिए जरा आप सब इसको ट्राई कीजिए कि ये ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। इसको ट्राई करेंगे हम PMI की मदद से।
राशि बेटा हुआ यस हिमांशु प्रियांशी और स्नेहा, क्या ये क्वेश्चन हुआ बच्चे आप लोगों से? स्नेहा तो लास्ट स्टेप कर रहे हो। ओके ओके गुड बेटा गुड। हिमांशु तो कौन से स्टेप पे बेटा? लास्ट पे भैया। चलो स्टेप वन एन इक्वल टू वन, तो वन क्यू क्या वन वन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर के इक्वल है। चलो देखते हैं, वन क्यू तो वन होता है, यहाँ आ गया वन इंटू टू अपॉन टू होल क्यू, टू से टू कैंसिल हो गया। अरे हाँ ये तो है, so it is 2 for n equal to 1. Step 2, assume for n equal to k, n equal to k to be assumed that we know which one. Up to k cube will be equal to k plus 1 upon the whole square. अब हम करेंगे बच्चों step 3. Step 3 का मतलब हम इसको प्रूव करेंगे. Step 3 हम करेंगे k plus 1 के लिए. For n equal to k plus 1. इसका मतलब 1 क्यू प्लस 2 क्यू अप टू नॉट ओनली k क्यू बट अप टू k प्लस 1 क्यू, वो हमें प्रूव करना है वो किसके इक्वल है। प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टू पे होल स्क्वायर के इक्वल है। तो एज यूजुअल हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वन क्यू प्लस टू क्यू अप टू थ्री क्यू, फिर नेक्स्ट टर्म तक हम गए, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमें पता है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट जो हमने असम्पशन किया था इसको मैं लिख सकता हूँ k इनटू k प्लस 1 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 क्यू। बच्चों इसको हमें करना है सिंपलीफाई, अगर सिंपलीफाई करके हमारा ये आ गया तो हम बोलेंगे कि मई के बेस पे हम कह सकते हैं इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। सिंपलीफाई करने के प्रोसेस में सबसे पहले तो हम इस एक्सपोनेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखो मेरे बच्चों ये हो गया k स्क्वायर k प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस k प्लस 1 क्यूब। अब हो ना हो तुम्हारे दिमाग में नेक्स्ट स्टेप यही आएगा कि एलसीएम ले लेते हैं, तो हमने लिया एलसीएम k स्क्वायर k प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1 क्यूब होल अपॉन 4। दीपांशु कहाँ खो गया? अब बच्चों तुम्हारे दिमाग में आएगा k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए, हमने k प्लस 1 स्क्वायर को लिया कॉमन, ऊपर बच जाएगा k स्क्वायर प्लस 4 k प्लस 1
यहाँ पहुंच गए। अब बच्चों तुम्हारे दिमाग में आएगा इसमें फैक्टराइज करेंगे इसको, इसको फैक्टराइज करेंगे प्लस वन का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस फोर के प्लस फोर अपॉन फोर। अब जब इसको आप फैक्टराइज करोगे ना तो देखना जरा जो रिजल्ट चाहिए था वही आपके सामने आ चुका होगा। थ्री प्लस ये बन जाएगा थ्री प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन फोर। बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस वन, के प्लस टू को मैं के प्लस वन प्लस वन लिख सकता हूँ, फोर को मैंने टू लिखा और पूरे का स्क्वायर लिख दिया मैं, इन तीनों का स्क्वायर था तो पूरे का स्क्वायर। और देखो ये क्या है रे, ये तो वही रिजल्ट है जो हमें चाहिए था। और तो हम बोल सकते हैं हैंस हैंस using PMI we can see given result is true for all natural numbers hence we can prove that your result is true for All natural numbers। तो हो गया ना बच्चों। अब ऐसे ही जरा देख लो क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो बच्चों ये है पीएमआई, सिर्फ यही है पीएमआई। अब वो क्या है, ये जो थर्ड स्टेप है जैसे हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दिया, तो तुम लोगों को हर क्वेश्चन में ये थर्ड स्टेप है ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्यूबिक आ जाएगा तो उसको कैसे फैक्टराइज करोगे, बस इस तरह के चैलेंजेस से तुम्हें डील करना होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एनसीईआरटी का, इसमें कोई शक है तो मुझसे पूछ लो। मैं इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को हटा करके थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूं यहां। इसने कहा वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री टू ऑन अप टू वन प्लस टू अप टू प्लस एन is equal to 2n upon n plus 1। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। सोचिए सोचिए सोचिए, ये एक सीरीज बन रही है, एपी या जीपी नहीं है। एपी या जीपी होती तो एसएन का फॉर्मूला तुम्हें आता है, ठीक है। अब ये आपको अच्छी बात है, उसने फॉर्मूला तो तुमसे पूछा भी नहीं, फॉर्मूला तुम्हें दे दिया, उसे प्रूव कर, तुम्हें ये पता है कि ये सही रिजल्ट देता है, उसको प्रूव कर। हाँ भैया कोई ऐसा केस होगा ही नहीं क्योंकि तुम्हें वही प्रूव करने को दिया जाएगा जो होगा, और जो नहीं होगा वो तुम प्रूव कर ही नहीं पाओगे। अगर नहीं होगा तो ये भी हो सकता है, ऐसा तो होंगे
ऐसे तो ऊपर तुम्हें दिए नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तो वही दिए जाएंगे जो प्रूव होंगे, वही प्रूव करवाएंगे जो हो ही नहीं सकता, ताकि तुम्हें ये अप्रोच यूज करनी आए। हाँ, फिर रियल वर्ल्ड में जब तुम किस सिचुएशंस में ऐसे सीरीज के अक्रॉस आओगे, तुम ये चेक करना चाहोगे कि ये ट्रू है या नहीं है, तो तुम पीएमआई नाम की अप्रोच लगा के देखोगे। अगर ये कामयाब होगी तो तुम बोलोगे, जब तुम लोग प्रोग्रामिंग करोगे कंप्यूटर में तो आएंगी ये सिचुएशन तुम्हारे सामने, अगर नहीं करनी होगी तो नहीं आएगी। अभी पता नहीं ना करनी होगी या नहीं करनी होगी, क्योंकि नहीं करनी होगी तो हो सकता है कि ट्वेल्थ के बाद मुझे तू कहीं पे कंप्यूटर कोर्स कोई लैंग्वेज सीखता मिल जाए और फिर मैं तुझसे पूछूंगा क्या हो रहा है डिपार्टमेंट, फिर तू कहेगा सर क्या करूँ स्कोप इसी का रह गया, तब तेरे ये बड़ा काम आएगा, फिर तू सोचेगा अच्छा किया मैंने ये करके देख लिया। ठीक है, इसलिए आने वाले समय का नहीं पता कैसे करवट बैठ जाए, चीजें सीखने का कोई नुकसान नहीं है, ना सीखने का नुकसान जरूर है, इसलिए सीख लो बच्चों। या तो भाई ऐसा हो भाई जीवन में मुझे तो रोनाल्डो ही बनना है, है ना पागल बन की हद तक, वो तो मैं मान सकता हूँ। नहीं मेरे बेटा, पेरेंट्स तो किसी के सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स तो रोनाल्डो के भी सपोर्ट नहीं करते, वो भी यही कहते थे गेम में कुछ नहीं रखा है पर बाद हो गए, लेकिन जब अंदर आग होती है ना वो नहीं बुझती, और जितनी कंडीशन एडवर्स हो इंसान उतना स्ट्रांग बनता है। ऐसी जो लीजेंड है ना वो फेवरेबल कंडीशन में कभी नहीं बनते, वो अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते, वो उन्हीं कंडीशन में बनते हैं जिसमें ये कहा जाए कि इट इज नॉट पॉसिबल टू बी डन हियर, तब वो करते हैं और तभी ऐसे लीजेंड बनते हैं। तब से तू यही कोशिश कर रहा है, अब तू समझ ले इसको, बता दूंगा पतिजी में है या नहीं, ये काम मेरा है, मैं देख के बता दूंगा, तुमने तो क्वेश्चन क्या करना है छोड़ो इसी में देखता हूँ। हाँ तो बच्चों, आप लोगों ने इसमें मुझसे सवाल नहीं पूछा तो इसको अब मैं स्क्रीन से हटा रहा हूँ। अब मैं आपको ये वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है शायद से अटक गए होंगे, अटक गए बेटा प्यासी, कोई बात नहीं, यही बता दूंगा ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है। सर न्यूटन ने यही किया था कि तुम लोग जब रिकॉर्डिंग देखते हो तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती होगी कि रिकॉर्डिंग होती है एक घंटे की, उसमें पढ़ाई की बात होती है, मेरे को लगता है कि 20 मिनट है ना, वो पॉज बहुत लंबे लंबे होते हैं, मजा अच्छा चलो फिर ठीक है, लेकिन लगातार पढ़ाने वाले क्योंकि मैंने सोचा कि मैं चेक करके देखता हूँ, पता देख ही नहीं पाता, मैं 5 मिनट में इतना बोर हो जाता हूँ, मैं आज तक नहीं देख पाया 5 मिनट से ऊपर होता है, ये कि मम्मी वीडियो से बोर हो जाते हैं, दूसरों की वीडियो से भी बोर हो जाते हैं। अच्छा हाँ ये भी हो सकता है कि मैं सोचता हूँ कि चलो देखूंगा कि बच्चे ये बातें जो यहाँ हो रही हैं समझ में आती भी या नहीं आती, या फिर कुछ ऐसा तो नहीं कोई प्रॉब्लम होती है उस यूट्यूब पे, तो मैं देखने बैठता हूँ, मेरे को 5 मिनट नींद आने लग जाती है। चलिए बच्चे
देखिए जरा, तो पहला स्टेप तो बिल्कुल मक्खन, वो तो तुमने कर दिया होगा, है ना, वन लिया और हो गया। पहुंचे दूसरे स्टेप पे, वो भी बिल्कुल मक्खन, है ना, एज्यूम ही तो करना है। स्टेप टू, स्टेप टू, देखो थर्ड स्टेप ना मुश्किल नहीं है, बट फर्स्ट और सेकंड कुछ ज्यादा ही आसान है, इसलिए इसलिए तुम लोग थर्ड पे फिसल रहे हो। अगर फर्स्ट और सेकंड स्टेप थोड़े स्ट्रगलिंग होते ना, ये जो थर्ड स्टेप का स्ट्रगल है, ये थोड़ा सा उठा के फर्स्ट में डाल देते, सेकंड में डाल देते और बैलेंस सा बना देते, तो भी ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने एज्यूम किया, एज्यूम दैट इट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, बच्चों वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री, दिस विल गो ऑन टिल वन अपॉन वन प्लस टू प्लस एन, सॉरी प्लस के, और ये इक्वल है टू के अपॉन के प्लस वन के, लिए हमने मान लिया। अब हम करेंगे स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, move it forward and equal to k plus 1, हमें ये प्रूफ करना है कि 1 plus 1 upon 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3 up to 1 upon 1 plus 2 plus up to k तक नहीं, एक स्टेप और आगे तक, 1 plus 2 plus up to k plus 1, वो जो है वो किसके इक्वल प्रूफ कर रहा है, उसको हमें इसके इक्वल बताना है बच्चों। कोई बात नहीं, एज यूजुअल हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और उसको करेंगे सिंप्लीफाई, और अच्छी बात ये है कि राइट हैंड साइड बन जाए। तो बच्चों हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड को 1 अपॉन 1 plus 2 plus 1 upon 1 plus 2 plus 3, और ये हो गया 2। देखना जरा, जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर किया था ना, उसमें वो तुम्हें ये देता था और तुम ये ड्राइव करते, तुम ये ड्राइव करते, अब तुम्हें ये ऑलरेडी दोनों चीज दे रहा है, तुम्हें ये प्रूव करना है सीक्वेंस एंड सीरीज, तुम इसको ड्राइव करके तो याद करना, राइट, ये लोग घूमेंगे इसके आसपास या आसपास। कैलकुलस तो है बेटा, कैलकुलस तो इनका बहुत ज्यादा है, तुमसे भी ज्यादा कैलकुलस है, कैलकुलस ज्यादा। अब देखो मेरे बच्चे, excuse me sir, step one visible नहीं है, तो आप एक बार शो कर सकते हो स्क्रीन पे, दोबारा से बोलना मेरे बेटा, step one visible नहीं है, एक बार स्क्रीन पे शो कर सकते हो, step one तो मैंने लिखा ही नहीं मेरे बेटा, सर खुद लिखना है, मैं चलो हाँ मैं लिख के दिखा देता हूँ, देख बेटा स्नेहा, step one में तू यहाँ one लेगी, सिर्फ पहली टर्म लेगी सिर्फ, सर आता है, सर आता है, अच्छा 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 हाँ मैंने लिखा नहीं जानबूझ। अब देखो मेरे बच्चे, ये हमने पुट कर दिया उसको किसको, टू के अपॉन के प्लस वन को, और यहाँ मेरे पास है वन अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू के प्लस वन यूजिंग फर्स्ट। अब मुझे ये करना है बच्चों सिंप्लीफाई, देख बेटा प्रयासी हमें ये करना है सिंप्लीफाई, कैसे करें, एलसीएम ले, अरे बाप रे एलसीएम क्या लेंगे, यहाँ तो ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन,
अरे भाई ये क्या है, ये तो बन रही है ना एक ए पी वन प्लस टू प्लस थ्री सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। हाँ ये क्या हो जाएगा देखो बच्चों, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के लिए मैंने आप लोगों को बताया था एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, जो हमने सीक्वेंशियल सीरीज में किया था। तो एन क्या है यहाँ पे के प्लस वन तक है ना, तो के प्लस वन, के प्लस वन करूंगा तो के प्लस टू बन जाएगा। चलो लिख देता हूँ फिर, अपॉन टू, तो मेरा एल एच एस आ गया बच्चों यहां तक। अब जरा देखना, बच्चों ये डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में जो टू है ये चला जाएगा ऊपर, हमारे पास आ गया अपॉन ए प्लस वन प्लस टू अपॉन ए प्लस वन इंटू के प्लस टू। अब क्या करें, अब क्या करें, क्या क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम हमने लिया तो देखना जरा, कॉमन डिनोमिनेटर बन, ओ वाओ, पहले मैं के प्लस वन को कॉमन ना ले लूं और ऊपर से टू को भी कॉमन ले लेता हूं। देखो मेरे बच्चों, टू को कॉमन लिया और नीचे से के प्लस वन को कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया सिर्फ के और यहाँ पे बच गया वन अपॉन के प्लस टू। देख लो जरा इस स्टेप में कोई शक है तो बेहिचक पूछ लो। ये मैंने आगे से बताया, यहाँ पे एलसीएम लिया के प्लस टू, ये हो गया के प्लस टू, वन ही रहेगा और यहाँ हम पहुंच गए। देख लो बच्चों हम पहुंचने वाले हैं आखिरी सीढ़ी पे, आखिरी सीढ़ी के आते ही हो जाएगा हैंड्स टू। न्यूटन बड़ी लंबी चिट्ठियां काट के आया, कैसा लगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पटना से, पटना से आगे या पहले है? पहले है? आगे आगे वेस्ट बंगाल की तरफ नहीं, नेपाल बॉर्डर से। ओके, मतलब नेपाल बॉर्डर का उससे 3 घंटे की दूरी। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट मधुबनी। हाँ बड़ा नाम है यहाँ मधुबनी। यहाँ तो हरियाणा में तो चप्पे चप्पे के खेत बने नहीं, यहाँ तो खेत ही खेत बना दिए हमने। वहाँ पर भी खेत पर कितने इतने यहाँ पर है कोने पर खेत को, यहाँ तो जमीन का एक इंच भी नहीं छोड़ा है। अरे इंच पे देखो फिर यहाँ पर लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे दीपांशी जैसे बहुत है, उनका पैसे से पेट भी भरा, हर इंच में सोचते हैं कि हम ही अपना कुछ लगा दे। मैंने बहुत क्या रखा है पेड़ों में, क्या रखा है जानवरों के लिए कुछ छोड़ने में, गेहूं उगाएंगे चावल उगाएंगे उससे हम पैसा कमाएंगे। क्या चलो बच्चों आखिरी स्टेप पे मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, तो अब आकर के दोबारा से तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ आखिरी स्टेप पे। मैंने यहाँ पे है टू,
नीचे है के प्लस वन और ये ब्रैकेट मैंने ओपन किया के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। अब जरा देखना भाई, मुझे तो जाना यहाँ है टू इंटू के प्लस वन अपॉन के प्लस टू, मेरा टू के प्लस वन तो है ही नहीं ऊपर। तो मेरे बच्चों जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे ना, और अच्छी बात यह है क्वाड्रेटिक नाइन्थ में तुम लोगों ने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज करना सीखा था, अब वो फिर से काम आ जाएगा। कर दो जरा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ तुम्हारे फैक्टर बनेंगे के प्लस वन इंटू के प्लस टू, के प्लस टू से के प्लस टू कट जाए, सॉरी के क्या बनेंगे सॉरी के प्लस वन इंटू के प्लस टू, एक के प्लस वन कट जाएगा नीचे वाला, और तुम्हें जो रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट मिल जाएगा। सबके लिए बताता हूँ, टू अपॉन के प्लस वन के प्लस वन स्क्वायर अपॉन के प्लस टू, ये एक चला गया बच्चों। और ये क्या, ये तो वही आ गया जो हमें चाहिए था। अब आखिरी की सबसे मुश्किल लाइन मैं छोड़ता हूँ दीपांशु के लिए, लिख दे बेटा सबसे मुश्किल लाइन। तुझे जाना किसमें है? अच्छा गेमिंग में जाना है, आगे ना बात सीखनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग, और फिर देख तू खेलना है बनाना है। जब तक बनाने के लॉजिक नहीं पता होंगे ना, खेलने में परफेक्शन नहीं आएगा। जब बनाने के लॉजिक पता चल जाएंगे ना, तभी खेलने में पाओगे। ऐप से खेलेगा सर, जो ऐप्स नहीं होते दीपांशु का प्लान है। अब अगली सर्वाइवल सर्वाइवल के लिए दीपांशु को अप्रोच किया जाएगा जब अपना ड्रोन भेजेंगे ना हम चाइना के ऊपर, दीपांशु ही ऑपरेट करेगा हमारे कमांडो को राशि में। अब चाइना नहीं बोल सकता हमारा खिलाड़ी सुबह शाम प्रिपेयर हो रहा था, कोई मेहनत कर रहा है वो। लव्वे लव्वे बेटा प्रयास भी जाती है अभी कैसे अरे प्रियांश रात है, प्रियांश सुबह 7 बजे से 8 बजे तक वही होता है।
टाइम तो मैं चेक करना चाहता हूँ कौन सा पड़ेगा।